فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صلوات پڑھیں محمد والے بزرگان محترم برادران عزیز سورہ جمعہ کی یہ دوسری آیت کریمہ جس کی تلاوت عنوان کلام کے طور پہ آپ کے سامنے بھی اس میں خداوند عالم بعثت کا اعلان فرما رہا ہے اور بعثت کے اعلان کے ساتھ ساتھ جس شخصیت کی جس ذات گرامی کی بعثت کا اعلان فرما رہا ہے اس کی عظمت کو بھی پہچانوا رہا ہے. عظمت کو پہچانوانے کے ساتھ ساتھ جب بعثت کا اعلان کیا تو ساتھ ہی میں رسالت کی ذمہ داریاں، رسالت کے فرائض، رسالت کے امور ان کو بھی بیان فرما دیا کہ ہم جو یہ رسول بھیج رہے ہیں، یہ جو رسول مبعوث کر رہے ہیں اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے امور کیا ہیں. آیا جو ہم نے مبعوث کیا ہے تو یہ تمہارے درمیان آنے کے بعد کام کیا کرے گا. ان کاموں کو بھی اسی آیت میں گنا دیا. امر رسالت سے متعلق سائے کریمہ میں چار امر گنائے گئے. یتلو علیہم آیاتہ ہی، دوسرے نمبر پہ یزکیہم، تیسرے اور چوتھے نمبر پہ یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ چار امر مخصوص کیے پیغمبر اکرم سے کہ یہ رسول کے فرائض ہیں، یہ رسول کے ذمہ داریاں ہیں، یہ رسول کے امور ہیں. رسول اس دنیا میں جائیں گے تو ان کو کیا کیا کرنا ہے. اب میں بہت تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، ان سب چیزوں پہ بحث کروں گا کیونکہ میرا عنوان تو مستقل معین ہے، بس وہاں تک پہنچنا ہے. سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ ان امور کے گنانے کے ساتھ ساتھ
कुछ शकूक और कुछ शुबहात ऐसे हैं जो खुद से जायल हो जाते हैं। इंसान अगर थोड़ा सा तदब्बुर करे, थोड़ा सा ताकुल करे, थोड़ा सा गौर व फिक्र करे आए करीमा के सिर्फ जाहिरी लफ्जों ही पे अगर नजर डाल ले तो कुछ शकूक और शुबहात ऐसे हैं कि खुद से दफा हो जाएंगे। मसलन ये तसव्वुर कर लेना कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, तो अगर किताब खुदा इस उम्मत के लिए काफी होती तो इस आयत को यतलू अलैहिम आयाते ही पे ठहर जाना चाहिए था, युज़क्की हम कहने की जरूरत नहीं थी, युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा कहने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात जो खुद से अगर जाहिरी लफ्जों पे भी हम गौर करें तो जाहिर हो जाएगा, वाज़े हो जाएगी बात कि हम किसी को भी पहचानते हैं तो उसके आसार से पहचानते हैं, उसके उमूर से पहचानते हैं, उसके कामों से पहचानते हैं। आप आज जो मुझे पहचान रहे हैं मेरे काम से कि मौलाना मजलिस पढ़ते हैं, खिदमत दीन करते हैं, इन्हीं कामों की वजह से तो आपने मुझे पहचाना। यही मैं कोई दूसरा काम कर रहा होता तो आप उसी एतबार से पहचानते। तो आसार से और काम के जरिए से, हत्ता कि हमने तो अल्लाह को भी अगर पहचाना है तो उसके उसके आसार से पहचाना है। इन कामों के जरिए से हम पहचान तो लेते ही हैं, साथ साथ शख्सियत का मेयार भी मुय्यन कर देते हैं कि ये मौलाना है, मजलिसे पढ़ते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, शरी उमूर अंजाम देते हैं, दीन की खिदमत वजह लाते हैं, तो आपने इस हवाले से पहचान लिया तो मेरा एक मकाम भी मुय्यन कर लिया कि ये काबिल इज्जत हैं, आपने ताजीम और तकरीम भी की, मेरे उमूर से मुझे पहचान के मेरा मकाम मुय्यन कर लिया। बस इतनी ही तवज्जो की गुजारिश है उम्मत मुस्लिमा से कि किसी तारीख में उलझने की जरूरत नहीं, पैगंबर अकरम के अजमत और मकाम को अगर पहचानना है तो इस आयत में जो उमूर गिनाए गए हैं कम से कम उन पे नजर डाल लो कि रसूल ऐसा है जो आयत की तिलावत करने वाला है, नफ्सों को सुधारने वाला है, किताबो हिकमत की तालीम देने वाला है। जाहिर सी बात है जो नफ्सों को सुधारने वाला होगा, किताबो हिकमत की तालीम देने वाला होगा, वो कोई अनपढ़ नहीं हो सकता, उसके लिए जरूरी है कि वो खुद भी तालीम जानता, तभी तो किताबो हिकमत की तालीम दे सकता है। अच्छा, जब यहां तक बात आ गई तो अब ये रसूल जो दीन हमें दे के जाए तो क्या इस दीन को ये खाली हमारे हवाले करके चला जाए? अब तुम्हें इख्तियार है, जिसको चाहे दीन का मालिक बना लो। पहली बात तो ये फराइज में नहीं, सबका अंबिया की तारीख गवाह है कि हर नबी अपने बाद के लिए कोई वसी का इंतखाब करके गया, तो यह कैसे मुमकिन है कि इतनी जाफिशानी से इस दीन को पहुंचाएं और फिर बगैर किसी वारिस के उम्मत के हवाले करके चले जाएं? तो वारिस का तायुन किया। मैं अगर एक शिक को इख्तियार करूं कि अगर मुतायन ना भी फरमाए, हालांकि यह मुमकिन नहीं, बारहा मौका बा मौका पैगंबर अकरम ने निशानदेही फरमाई कि मेरे बाद मेरे इस दीन का वारिस कौन है, अपने बाद के लिए इंतजाम रखा, सराहतन रखा, लेकिन अगर मैं मान भी लूं तो कम अज कम इंतखाब के वक्त इतना तो जरूरी है कि जिस शख्स को भी इस जगह पे लाए उसमें ये चार काम करने की सलाहियत हो, वो तिलावत भी कर सकता हो, नफ्सों की इस्लाह भी कर सकता हो और किताबो हिकमत की तालीम भी दे सकता, कम से कम इतना मलिका होना लाजमी है इस मसनद पर आने के लिए। अच्छा, ये क्या अचानक हो गया पूरा हादसा, पूरा वाकया, पूरा सानेहा कि शहादत रसूल अकरम के 72 घंटे के बाद ही हालात इतने बदल गए कि कोई अब रसूल की बेटी को नहीं पहचानता? नहीं, ये एक मुकम्मल साजिश थी जो इब्तिदा से चली आ रही थी।
इसी साजिश को पैगंबर अकरम मौका ब मौका बेनकाब करते चले गए जब जब मौका आया। मैंने अभी एक जुमला कहा कि कम अज कम जो इस जगह पे आए उसमें उतनी सलाहियत हो कि वो उन उमूर को अंजाम दे सके जिन उमूर की अंजाम दही के लिए रसूल को मबूस किया गया था। तिलावत, तस्किया नफ्स, किताब व हिकमत की तालीम, ये दो काम हैं जो एक ही जुमले में कुरान करीम में कहे गए, किताब की तालीम और हिकमत की तालीम। ये थोड़ा सा अलग अलग है दोनों। किताब की तालीम का दायरा वसी है, हिकमत की तालीम का दायरा मुख्तसर, और ये तरतीब भी है कि एक दर्जे से दूसरे दर्जे में पहुंचने वालों की तादाद कम हो ही जाती है। जरूरी नहीं 100% पास हो जाए, जो पास होंगे वही अगले दर्जे में जाएंगे, फिर उससे आगे दर्जे में, फिर उससे आगे दर्जे में, आखिर में जाते जाते तादाद कम हो जाती है। तो आइए इस तारीख इस्लाम पे गौर करें कि किसमें कितनी सलाहियत है। चूंकि ये मेरा मौजू नहीं, यहां तक मैं एक मंजिल तक लेके आना चाह रहा हूं इसके जरिए से आपको, इसलिए सिर्फ एक खाका आपके सामने रखना। जहां तक तस्किया नफ्स की बात है तो कुरान करीम ने खुद मौलाए कायनात को रसूल का नफ्स कहा और मुबाहले में पैगंबर अकरम अली को अपने नफ्स की जगह पे लेके गए। जहां तक किताब की तालीम की बात आती है तो पैगंबर अकरम की हदीस गवाह है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं और अली उसके दरवाजा है। बहुत इख्तिसार से मैं एक ये तेजी से सफर करके एक मंजिल पे आ रहा हूं। जहां तक हिकमत की तालीम की बात है तो पैगंबर अकरम की हदीस मौजूद है, अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। ये चीजें हो गई। क्या पैगंबर अकरम नहीं जानते थे कि मेरे बाद हालात क्या होंगे? रिवायत में मिलता है कि पैगंबर अकरम अपने जिंदगी के इन्हीं आखिरी अय्याम में गिरिया फरमा रहे थे, आंसुओं की लड़ी चेहरे अकदस पे थी। बेटी ने इस अंदाज से गिरिया करते हुए देखा, फरमाया, बाबा आप गिरिया क्यों फरमा रहे, क्या सबब है, क्या कोई तकलीफ? कहा, नहीं बेटी, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर क्या क्या जुल्म उठाए जाएंगे। यानी पैगंबर अकरम इल्म नबूवत से जानते हैं कि मेरे बाद के हालात क्या होंगे। तो अब जब ये इल्म नबूवत से जानते हैं तो अब हमारी नजर यह होना चाहिए हकी तलाश के वक्त कि हम पूरी सवान उम्र पैगंबर अकरम की इस जाविये से देखें कि कहां पर अपने बाद के लिए इशारा फरमा रहे हैं, या इस पूरी बज़्म में कौन है ऐसा कि जो रसूल को यह अज़ियत देने पे आमादा है कि जिसके बिना पे रसूल आंसू बहा रहे हैं, और उसको तलाश करने के लिए इतना मुश्किल नहीं। जब आप तारीख का मुतालिया करेंगे तो आपके सामने ये बात आया हो जाएगी कि जो जो पैगंबर अकरम के हुक्म पर एतराज करता नजर आए, क्योंकि नबी हैं, उनके सामने बुलंद आवाज से गुफ्तगू नहीं की जा सकती, नबी हैं, हमारे लिए हुज्जत हैं, इनके किसी हुक्म पर हर्फजनी नहीं की जा सकती, तो हमने ये पाया कि कुछ मकाम ऐसे थे जहां पे पैगंबर अकरम को टोका गया। सुलह हुदैबिया, कहने वाले ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे रिसालत में इतना शक हुआ इतना कभी नहीं हुआ। यह जुमला इस बात का गवाह है कि पूरी जिंदगी रिसालत में शक करते हुए गुजर गई। एक सलावात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद, जंगे मौतों में जैद को अलम दिया, इस पे एक शोर शराबा हुआ। ये जमात कौन है जो पैगंबर अकरम को मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कह रही है और हुक्म के खिलाफ एहतजाज भी कर रही है? क्या इनको मुसलमान कहा जाएगा? तो अगर इब्तदाई दौर पे नजर डाले तो इस्लाम में आने वाले दो तरह के लोग, बिल्कुल इब्तदाई इस्लाम में, एक तबका वो कि जो इस पैगाम को हक समझ के रसूल के हमरकाब हुआ, दूसरा तबका वो
जो अपनी जान बचाकर माले दुनिया के लालच में, इज्जत की हरीस में इस दायरे में आया, क्योंकि मसावात थी। ये इब्तदाई दौर की बात है। इस्लाम का आखिरी दौर वो है कि जिसमें कुछ लोग खौफ के सबब आए कि अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि हम इस दायरे में चले जाएं, क्योंकि मक्का भी फतह हो गया। अब यह आखिरी मरहला। तो इस तरह से ये तीन तबके बने। पहला तबका वो जो हकीकत जानकर इस्लाम कबूल कर रहा है, दूसरा तबका वो जो लालच और हिर्स के बिना पे इस्लाम में आ रहा है, तीसरा तबका वो जो डर और खौफ के बिना पर आ रहा है। तो इसमें जो हकीकत के एतबार से, हकीकत समझ के दायरा इस्लाम में आया, वो रसूल के हुक्म की इताअत करता नजर आएगा, कहीं लब को छाई नहीं करें। जो खौफ के बिना पर आ रहे हैं वो मौका तलाश करेंगे कब हमें बगावत करने का मौका मिले। जो हरीस बन के आए हैं वो मुस्तकिल साजिश करते रहेंगे कि कब हमें फायदा पहुंचे। वो अपने मफाद की खातिर पूरी जिंदगी इस दायरे में रह के गुजारेंगे। नतीजा ये हुआ, पैगंबर अकरम भी जानते थे कि ये हरीस कौन है। इसलिए वैसे तो बेशतर मकामात ऐसे हैं जहां पे निशानदेही फरमाई, लेकिन उम्मीदों पे पानी फेरने के लिए पैगंबर अकरम ने भी बिला सबब कुछ उमूर अंजाम नहीं दिए। जिस पैगंबर के लिए कुरान करीम की ये आयत मौजूद हो कि ये वो कलाम ही नहीं करता जब तक वही ना आ जाए, बगैर वही के बोलता ही नहीं, तो इनके किसी अमल पे शक नहीं किया जा सकता। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि सूरह तौबा की इब्तदाई 10 आयतें जब नाजिल हुई, पैगंबर अकरम ने किसी के हवाले की कि जाओ मक्के में जाके इसकी तिलावत करके आओ? अब जब उसको तिलावत करने के लिए दे दी और वो सफर करके चला गया कुछ दूर, तो हुक्म परवरदिगार आया, मेरे हबीब ये तिलावत की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। मैंने आयत के आगाज में बताया था कि रसूल की चार जिम्मेदारियां हैं। ये तिलावत हर कसो नाकस का काम नहीं है। तिलावत या तो आप करेंगे या वो करेगा जो आप में से हो। तो यहां पर एक सवाल ये कि क्या पैगंबर अकरम से खुदा ना खास्ता माजल्ला का कम बदहन कोई, अब मेरे जबान में ताकत नहीं, मैं इस तरह का लफ्ज कह दूं शाने रिसालत में, क्यों भेज दिया उसको? क्यों हुक्म परवरदिगार आया कि उसको रोको? क्या जरूरत थी उसको भेजने की? क्या पैगंबर अपने इल्म से नहीं जानते थे कि इसका अहल नहीं? तिलावत की जिम्मेदारी मेरी है या उसकी है जो मुझसे हो? जानते थे, सहवन नहीं भेजा। मैं कहना नहीं चाह रहा था रिसालत की बारगाह में लफ्ज सो, सहवन नहीं भेजा पैगंबर अकरम ने, अमदन भेजा। मैं तुम्हारे दिल के इरादे देख रहा हूं, तुम्हारे अंदर पनपती हुई तमन्नाएं देख रहा हूं, तुम जिस मसनद के हरीस हो उस मसनद पे बैठने वाले की जिम्मेदारी है तिलावत कुरान करना, तिलावत आयात करना। लो ये 10 आयतें आई हैं, मैं तुम्हें देता हूं, जाओ जाके तिलावत कराओ। क्योंकि रसूल जानते हैं कि अगर मैं इसको भेजूंगा तो फौरन हुक्म इलाही आ जाएगा कि इसको रोको, क्योंकि ये इसका अहल नहीं है। तो कम से कम उसकी इस्लाह हो सकती है। अगर वो अपने नफ्स की इस्लाह करना चाहेगा तो कर सकता है कि अल्लाह के हुक्म से मुझे जब 10 आयतों की तिलावत का हक नहीं दिया तो पूरे कुरान की तिलावत का हक कहां से मिल जाएगा? अब ये उसके लिए था जिसका नफ्स जिंदा हो, जिसका जमीर जिंदा हो, जो हक की हिदायत चाहता हो। पैगंबर अकरम ने जैसी 10 आयतें देकर भेजा और हुक्म परवरदिगार आया कि नहीं मेरे हबीब ये हक इसका नहीं है, या तो आप जाइए या वो जाए जो आप में से हो। पैगंबर अकरम ने मौलाए कायनात को बुलाया, अली जाओ
और उनको रोको और उनसे वो आयत ले लो और मक्के में जाके तिलावत करो। मौलाए कायनात तेज रफ्तारी से आगे बढ़े, रास्ते ही में उनको मिल गए, कहा वो आयतें वापस लाओ। बड़े मुर्दा दिल से सवाल किया, क्या मेरे लिए कोई हुक्म इलाही आया है, कोई आयत आई है? कहा वापस जाओ, जाके रसूल से पूछो। बदले नौखास्ता आयतें दे दी। आप समझ गए होंगे कि जाने वाला कौन था, जहां से आगाज होना था, जहां से इब्तदा होनी थी, वहीं पे पैगंबर अकरम ने इब्तदाई मरहले ही में वार किया कि देखो इन तमन्नाओं को दिल में ना पालो, तुम इसके अहल नहीं हो। रोक लिया, आयत अली के हवाले करके ऐलान कर दिया कि तुम इस मसनद के वारिस नहीं, इस मसनद का वारिस वो है जो आयत लेके जा रहा है। अब मौलाए कायनात जब आयत लेके मक्के पहुंचे, तो मक्के का वो दौर कि जब किसी मुसलमान का जाना इतना आसान नहीं था, मक्के में कत्ल कर दिए जाते। ये तो आयत इस खुशी में ले ली थी कि हमें बात की मसनद मिल जाएगी, लेकिन अगर सही पूछे तो इनके बस का काम नहीं था कि मक्के की हुदूद में भी दाखिल हो जाते, वहां ऐसी तलवारें खींची हुई थी। और उस खाने काबा में पहुंचने के बाद मौलाए कायनात अपने अपने जुल्फ़िकार को नयाम से निकाला और फिजा में लहरा कर इस अंदाज से चहलकदमी करते हुए आयात की तिलावत कर रहे थे कि कुफार में दम न था कि ये रोक देते कि तुम कौन हो इस पैगाम को पहुंचाने वाले। ब इतना तो गुफ्तगू करते नजर आए, ये कौन शख्स है जो इतनी दिलेरी से रसूल का पैगाम पहुंचा रहा है? तो किसी ने पलट के कहा, इसको नहीं पहचान रहा, ये अबू तालिब का बेटा अली है। तो यहां पर वाजे कर दिया। तो चूंकि एक पूरी मुसलसल साजिश के तहत एक टीम बनती आ रही थी और वह अफराद तादाद में बढ़ते जा रहे थे, एक मंसूर तैयार हो रहा था और पैगंबर अकरम उसको जानते थे, इसलिए वक्त आखिर गिरिया फरमा रहे। उसके बाद गदीर का पूरा वाक्य आपकी निगाहों के सामने। पैगंबर अकरम तामुल क्यों कर रहे थे? पैगाम पहुंचाने में बहुत जल्दी जल्दी अपनी मंजिल तक आना चाह रहा हूं, क्योंकि ये सारी गुफ्तगू मरबूत है पहले से, जहां से बुग्ज़ हसद की बुनियादें खड़ी हुई थी और ये साजिशों का हिस्सा लोग बनते चले गए और इनकी तादाद बढ़ती चली गई। आखिरी मरहले में जब गदीर का हुक्म पहुंचाया और उसको पहुंचाने के बाद मौलाए कायनात को जानशीन बना दिया मनकुन तो मौला कह के, तो अब तो फितना खत्म हो जाना चाहिए था, अब तो नेसेसरी ही मिल गई थी, लेकिन दीदा दिलेरी देखिए कि इसको भी नजरअंदाज किया और मंजिल अकबा में आके रसूल अकरम पे हमला किया। और मंजिल अकबा में जब हमला किया है तो रसूल के साथ में दो फर्द, बाकी सबको मना फरमा दिया था कि कोई इस घाटी से ना आए, सब दूसरे रास्ते से जाए। एक हुज़ैफ़ा यमानी जो ऊंट की महार पकड़े हुए आगे आगे, एक अम्मारे यासिर जो पैगंबर अकरम के पीछे पीछे। अब जैसे ही अकबा की घाटी में ये पैगंबर अकरम आए, जिस नाके पे सवार थे वो नाका आया, तो फौरी तौर पे यक लाख कुछ अफराद उन झाड़ियों से बरामद हुए और पैगंबर अकरम के नाके पे हमला किया, जिसको हमारे यासिर ने रोका और उनकी सवारियों के मुंह पे डंडे मार के उनका रुख बदला। वो सब फरार तो हो गए। अब इस दरमियान में जैसे ही ये हमला यकबायक हुआ और चूंकि पीछे हमारे यासिर थे, तो जाहिर सी बात है पूरा वार रोकना पड़ा हमारे यासिर को। हमारे यासिर ने वार को रोका और जब वो फरार हो गए तो वो फौरन रसूल की बारगाह में आया। जब तक पैगंबर अकरम ने नाके को रुकवाया और नीचे उतर आए, तो रसूल ने सवाल किया, अम्मार क्या इनको पहचाना, ये कौन लोग थे? जनाबे अम्मार ने फरमाया, हां कुछ सवारियों को पहचान गया हूं। फिर जनाबे हुज़ैफ़ा यमनी जो राजदार पैगंबर है, ये पूरा मदीना जानता था कि वो मुनाफिकीन के नाम
جناب حذیفہ کے پاس ہیں، یہ جانتے ہیں کہ وہ کون کون تھے۔ اب جناب حذیفہ کو پیغمبر اکرم نے وہ سب نام بتا دیے کہ وہ کون۔ اب یہ تاریخ کا عالم یہ ہے کہ بعض موقع پہ جو روایتیں نقل ہو کے آئی ہے پوری تاریخ چھان ڈالیے، اس کو اتنا مشکوک بنا دیا گیا اور اتنے طریقوں سے پیش کر دیا گیا کہ آپ اس میں سے چھانٹ نہیں پائیں گے کہ حق کیا ہے۔ اب عقبہ کے بعد کی منزل، چونکہ پانی کی قلت اس سفر میں، پیغمبر اکرم جانتے ہیں کہ آگے ایک چشمہ ہے جس میں بہت ہلکا سا پانی ہے، کم پانی ہے اس میں۔ پھر پورے لشکر سے کہا کہ نہیں، کوئی آگے نہیں جائے گا اور فلا مقام پر پانی ہے، خبردار کوئی مجھ سے پہلے اس چشمے پہ نہ پہنچے، کیونکہ پیغمبر اکرم کو بے اجازت پورے لشکر کو سیراب کرنا ہے اور وہاں پہ پانی کی مقدار کم ہے۔ اب یہاں پر جو جو حکم رسول کی مخالفت کرتا نظر آئے، سمجھ لو وہی باغی ہے جو عقبہ میں حملہ کیا جنہوں نے۔ ظاہر سی بات ہے ان کو پیغمبر اکرم کا شہدائی تو نہیں کہا جا سکتا، رسالت کے پروانے تو نہیں کہلا سکتے، رسالت کے قتل کے ارادے سے آئے۔ اب دوسرا حکم پیغمبر اکرم کا کہ وہ جو چشمہ ہے جہاں پہ پانی کی مقدار کم ہے اسے پورا لشکر سیراب نہیں ہو سکتا، خبردار مجھ سے پہلے کوئی وہاں نہ پہنچے، ملعون ہے وہ جو مجھ سے پہلے وہاں پہنچ جائے۔ اب تو نہیں جانا چاہیے تھا اتنی سختی سے منع کرنے کے بعد، لیکن جب رسول وہاں پہنچے تو دیکھا کچھ افراد پہلے سے موجود ہیں، اب کیا کہیے گا؟ یہ پیغمبر اکرم کی زبان سے، زبان مبارک سے لعنت تو جاری ہو چکی، اب آپ نہیں بچا سکتے اس کو، وہ اپنی جگہ پہ پہنچ گئی لعنت۔ خیر، پیغمبر اکرم نے بے اجاز چشمے کے پانی میں اضافہ فرمایا، پورے لشکر کو سیراب کیا مدینے۔ اب مدینے میں جو سازشیں اس حد تک دیکھ لی پیغمبر اکرم نے، اور حذیفہ کو بھی یہ تنبیہ فرمائی، حذیفہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، جب تک یہ راز تمہارے پاس ہے تم زندہ ہو، اور یہ پورا سازشوں کا جال بنا۔ تو اب پیغمبر اکرم نے کہا تو ٹھیک ہے، میں تمہارا پورا جال توڑ دیتا ہوں۔ اسامہ بن زید کے لشکر کی تیاری کرائی، یہ شہادت سے چند دن قبل کی بات ہے۔ جناب اسامہ کو پرچم دے کے کہا کہ تم شام کی طرف جاؤ، روم کی طرف، اور پیغمبر اکرم نے یہ احتیاط برتی کہ اس لشکر میں جانے والوں کی تعداد معین کی اور ان لوگوں کو نام بنام تاکید فرمائی کہ تم سب کو جانا، صرف مولا کائنات کا استثناء فرمایا، علی تم خاص طریقے سے میرے پاس رہو گے، اس لشکر میں نہیں جاؤ گے۔ اسی لیے تو اسامہ کو علم دیا تھا، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی لشکر میں جائے اور علم کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ علی کو اپنے پاس روکا کہ تم میرے پاس رہو گے، کیونکہ پیغمبر اکرم نے یہ چاہا کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے تو کم از کم ان شر پسندوں کو مدینے سے دور کر دوں، یہ ایک کاوش تھی رسالت میں آپ کی۔ یہ میں بہت چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں اپنی تحقیق پہ، یہ پیغمبر اکرم کی کاوش تھی، کیونکہ جانے والوں میں ان لوگوں کو خاص طریقے سے تاکید فرمائی تھی، تم بھی جاؤ گے، تم بھی جاؤ گے، تم بھی جاؤ گے۔ اور یہ میرا اعتراف نہیں، متفق علیہ ساری تاریخوں نے ان تاکید لکھی ان ناموں کے لیے، جہاں یہ فرمایا کہ جس نے بھی اسامہ کے لشکر کی مخالفت کی، لشکر میں نہیں شامل ہوا، لشکر میں نہیں گیا، اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ وہیں پیغمبر اکرم نے ان افراد کو بلا کے تاکید سے فرمایا تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ لشکر میں شریک تو کیا ہوتے اور رسول کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا کہ پیغمبر اکرم ایک غلام زادے کی اقتدا میں ہمیں لشکر میں بھیج رہے ہیں۔ بھائی زید ایک غلام تھے، ان کے بیٹے اسامہ،
तो इसलिए हम इक्तदा नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते इनके इक्तदा में, हमें इनकी अमारत कबूल नहीं। ये है मुसलमान जो पैगंबर की जिंदगी में पैगंबर के हुक्म की मुखालिफत कर रहा है। हाय अफसोस, काश उम्मत मुस्लिमा इतनी ही बेदार हो जाए कि ये देख ले कि जो रसूल के हुक्म की मुखालिफत खुल्लम खुल्ला रसूल के सामने आके करे, कम अज कम वो रसूल की मसलत का वारिस नहीं हो सकता। रसूल के सामने आके मुखालिफत की कि आपने इंसाफ से काम नहीं लिया, अल्लाह अकबर, इतनी जुरत हो गई कि रसूल पे उंगली उठा दी, रसूल के लिए ये फरमा दिया कि आपने इंसाफ से काम नहीं किया और आपने गुलामजादे की इक्तदा में हमें भेज दिया, हम नहीं जाएंगे। फिर ताकीद फरमाया और आखिर में ताकीद शिद्दत की कि अल्लाह उस पर लानत करे जो लश्कर उसामा से तखल्लुफ करे, उसमें शामिल ना हो। सब लोग चाहने लगे, उसामा भी मदीने के बाहर जाके ठहर गए, तादाद बढ़ती चले गई, लश्कर बढ़ता चला गया, लेकिन तमाम तारीखों ने मुत्तफक अलैह लिखा कि ये अफराद नहीं गए। एक ने अगर इनके जाने का लिखा भी तो मदीने के बाहर की एक जगह पे छुप के रुक गए। अब ये खबर रसानी चुके पैगंबर अकरम उस वक्त अलील थे, बिस्तर अलालत पे थे और बिस्तर अलालत पे होने की वजह से इनको ये तवक्को थी कि ये तो आखिरी वक्त है पैगंबर अकरम का, इस वक्त हम मदीने से बाहर कैसे चले जाएं, यही तो मौका है मौजूद रहने का। तो इसलिए इन्होंने अब वो खबरें मौसूल की कि जो घर के अंदर से आ रही थी कि हम तो जा रहे हैं मदीने के बाहर ठहरे रहेंगे, तुम हमें पल पल की खबर भेजती रहो कि अब रसूल की कैसी सूरत है, कैसी कैफियत है, कैसी कंडीशन है, तो जब मौका होगा हम बरामद हो जाएंगे। लेकिन चूंकि वहां हुक्म पे अमल नहीं हुआ, लश्कर उसामा की इत्तबा नहीं की गई और ये साजिश में अपनी कामयाब हो गए और यहीं से वो हदीस से लदूद 24 सफर जुमेरात का दिन पैगंबर अकरम ने ये वापस आ गए सब, अब नहीं जाता कोई। 24 सफर जुमेरात का दिन पैगंबर अकरम ने कहा लाओ कलमों का कागज दे दो, क्योंकि पैगंबर अकरम ने देख लिया कि वापस आ गए, तो अब तहरीरी तरीका इख्तियार फरमाया क्योंकि रसूल जहनियत देख रहे थे। अब पैगंबर अकरम ने फरमाया लाओ मैं तुम्हें ऐसा मकतूब लिख दूं कि तुम मेरे बाद गुमराह ना हो, लाओ कलम और कागज दे दो। इसमें से एक शख्स आगे बढ़ा और खाकम बदहन रसूल की शान में गुस्ताखी करते हुए फरमाया, कहा उसने कि ये बीमारी का असर है, मुझ में वो जुरत नहीं कि वो लफ्ज दोहरा हूं जो एहानत का सबब है, रिसालत की शान में तौहीन की, ये जुरत बढ़ गई थी। क्यों? इसलिए कि एक महाज तैयार किया जा चुका था, मुतमईन थे कि इतने अफराद हमारे साथ में हैं, इसलिए दिलेर होते चले गए और यह मंजिल आ गई कि पैगंबर अकरम जुमेरात को दिन में मांग रहे हैं कि कलम और कागज दे दो 24 सफर को, तो इनकार फरमा दिया कि नहीं हम कलम और कागज नहीं देंगे। इस कलम और कागज पे जब तारीख में जाइए तो थोड़े से लफ्ज बदलते हैं अरबी जबान में, मफहूम तकरीबन सबका एक ही है। अभी तो अलग अलग रिवायतों से बयान करने लगू तो सैकड़ों किताबें बनती है और रावी ने अपने अपने अंदाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी एक लफ्ज के फर्क के साथ नकल किया है, तो बार बार वही बात रिपीट होती रहेगी। कलम और कागज देने से इनकार कर दिया और आवाज दी हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। जिंदगी भर इब्ने अब्बास रोते रहे इस बात पर कि हाय वो रोजे पंचशंबा, कि जिसने दीन में तफरका डाल दिया, काश उस दिन पैगंबर अकरम को कलम और कागज दे दिया जाता तो ये तफरका खत्म हो जाता।
जनाब इब्न अब्बास पूरी जिंदगी गिरिया की इसी को लेके, रिवायत में आया हाय पंशबा कह के रोते थे। तो कुछ तो था जिसकी बिना पे जिंदगी भर तमाम तारीखों ने लिख दिया कि पूरी जिंदगी जनाब अब्बास उस दिन को रोते रहे कि क्यों नहीं पैगंबर अकरम को लिखने दिया। अब क्या नहीं लिखने दिया इसमें तारीखों ने फिर झोल डालना शुरू किया। बस सिर्फ दो तीन मुसन्निफ ऐसे हैं जिनकी जबान से हक जाहिर हो गया और उन्होंने जनाब अब्बास से और इनकी गुफ्तगू बयान कर दी। ये उनके लिए अलमिया है कि जहां इतनी एहतियात बरती थी पूरी रिवायत को उलझा दिया गया था, आखिर में आगे खुलासा कर गए कि वो बात थी क्या जो पैगंबर अकरम लिखना चाहते थे। वो बात कभी वाजे ना हो पाती कि पैगंबर लिखना क्या चाह रहे थे, लेकिन एक दिन यही साहब जिन्होंने आवाज बावाज बुलंद कहा था कि पैगंबर अकरम बीमारी के असर के बिना पर ये ऐसा कह रहे हैं, ये बीमारी का असर है और कागज कलम की जरूरत नहीं, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, यही अब्बास से बात करते हुए कहते हैं कि अब्बास की गुफ्तगू जब नकल की कि अब्बास से फरमा रहे हैं कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया था उस वक्त कि पैगंबर अकरम को मखतूब नहीं लिखने दिया। कहा क्यों तुमने क्यों नहीं लिखने दिया, ये तो मैं जानता हूं रोकने में आगे आगे तुम थे लेकिन सबब नहीं जानता। कहा दरअसल मैंने इस्लाम की हमदर्दी की। कहा कैसी हमदर्दी। कहा मैं जानता था कि पैगंबर अकरम उस तहरीर में लिखना क्या चाहते थे। कहा क्या चाहते थे लिखना। कहा वो अली को अपने बाद अपना जानशीन और खलीफा लिखना चाह रहे थे, मैंने ये रोक दिया। कहा क्यों रोक दिया, इससे क्या खतरा था इस्लाम को। कहा अली अभी कमसिन है और पूरे अरब की निगाह अली पे टिकी हुई है बदला लेने के लिए, अगर बादे रसूल अली मसनद पे बैठ जाएंगे तो चारों तरफ से अरब हमला आवर अली पे हो जाएगा और इस्लाम को नुकसान पहुंच जाएगा। मैंने कितनी बड़ी हमदर्दी की कि अली को खलीफा बनने से रोक दिया और इनको खलीफा बना दिया। यह है एतराफ। ये किस जरिए से इन्होंने इस बुरे फेल को अच्छा फेल साबित किया कि चूंकि पूरे अरब से अली की दुश्मनी है, अब पूरे अरब की निगाह टिकी हुई है अली पे, अब अली अगर इस मसलत पे आ गए तो हर तरफ से ही अलगार होगी। तुम किसी अलगार में काम आए, कभी किसी मौके पे तुम्हारी तलवार नुमाया हुई। हां बस एक मौका है शहादत पैगंबर का जहां पे तलवार ने हमसे बाहर देखी, इसके अलावा तो कहीं हमने नहीं पाया कि तलवार ने हमसे बाहर आई हो। और अजीब बात तो ये गदीर हम में जो आयत नाजिल हुई थी उसमें एक सनद ये दी गई थी वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, इस पे भी उलमा ने बड़ी चालाकी से फायदा उठाया है कि अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। ये जो वफात वफात की तकरार की गई इस लफ्ज से फायदा उठा गई, या से मौका वल्लाह हो या से मौका मिनन्नास, अल्लाह लोगों से आपको महफूज रखेगा। तो अब ये शहादत नहीं कह सकते, क्यों का आयत ने जमानत ली है। ये है मुफस्सिर का नजरिया कि अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। एक सलावात पढ़ दे भाई मोहम्मद वाले। इसलिए पैगंबर अकरम कत्ल नहीं किए जा सकते, जबकि कुरान करीम की आय करीमा मौजूद है कि ये तुम्हारे दरमियान ना रहे या कत्ल कर दिए जाएं। अब वो लफ्ज़ या मुझे कहना पड़ रहा है वरना वहां लफ्ज़ औ अरबी जबान का जो है वो बल के माना में, यानी शहादत पैगंबर पे आयत कुरानी गवाह है। तो क्या तुम अपने पिछले मसलक पे वापस पलट जाओगे। अब यहां से जब आप महसूस करें कि उशामा के लश्कर के तबाह, फिर ये जुमेरात का दिन है, अब इसके बाद वो आती है हदीस लदू, क्योंकि बीमार है और अली, जबकि उस वक्त ही जिस वक्त कागज़ो कलम मांगा
उस वक्त तबीयत हजरत की ये है कि सर पे पट्टी बांधे हुए हैं शिद्दत दर्द से और तकलीफ बढ़ी हुई है, और उस आलम में जब शोर होगा हुआ तो पैगंबर अकरम ने उनसे फरमाया कूमु अन्नी, दूर हो जाओ मेरे पास से, जाओ यहां से, अपने पास से हटा दिया, दूर कर दिया। अब यहां पे फिर ये लदूद वाली रिवायत के पैगंबर अकरम को दवा दी गई, क्या मंतिक और फलसफा इस्तेमाल किया गया, क्या क्या तरीका अपनाया गया, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पैगंबर अकरम को एक मामूली इंसान की तबीयत पे पहचानेंगे कि जो मामूली इंसान की कैफियत और तबीयत होती है वही तबीयत वहां पे भी तारी हो जाए। अब वो जबरदस्ती, अब तो जाहिर सी बात है अजवाज हैं चाहने वाली हैं, सब लोगों के अजान पहुंच रहे हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली हैं दोनों की दोनों, मोहब्बत तो करने वाली सभी हैं लेकिन कुछ ज्यादा चाहने वाली भी हैं। इनसे वो दर्द की शिद्दत नहीं देखी गई पैगंबर अकरम से अकरम की, और जबरदस्ती उनको दवा उनके मुंह में डाली गई, इतनी जबर की गई दवा दहन में डालने के लिए कि पैगंबर मना फरमाते रहे कि ये मेरे मुंह में ना डालो, ये मेरे मुंह में ना डालो। कितना फर्क है, दिन में कह रहे हैं कि लाओ कलमों कागज दे दो तो दिया नहीं जा रहा है, दिन गुजरने के बाद कह रहे हैं कि दवा मत दो तो जबरदस्ती पिलाई जा रही है। यह है इम्तेदादे जमाना, और पैगंबर अकरम का जलाल ये कि शिद्दत इनकार में कि नहीं दवा मत दो, दवा मत दो, मेरे दहन में दवा मत डालो। और इन्होंने बिल जब दहन में वो दवा डाली कि रसूल का आराम हो जाए। आपको इतनी परवाह थी, आपने क्यों जबरदस्ती की पैगंबर अकरम के लिए? कहा नहीं, दरअसल वो फितरत की बात होती है, जैसे एक बच्चा दवा से मर्ज के बिना पर मुतनफिर होता है, वो बचता है दवा खाने से, हम ये समझे कि शायद पैगंबर इसी बिना पे मना फरमा रहे हैं, जबकि पैगंबर अकरम का दूसरा हुक्म उसके फौरन बाद कि जब जबरदस्ती करके मुंह में वो दवा डाली गई तो पैगंबर अकरम ने कहा जितने यहां मौजूद हों इन सबके मुंह में भी यही दवा डाली जाए, सिर्फ अब्बास को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जिस वक्त मुझे दवा पिलाई जा रही थी अब्बास यहां मौजूद नहीं थी। ये क्या था, कौन सी दवा थी कि रसूल के इनकार करने के बाद भी उनके दहन में डाली जा रही थी? आज तक उम्मत मुस्लिमा इस दवा को ना पहचान पाई, और फिर क्या सबब था उस दवा की ट्राई नहीं की गई जब पैगंबर कह रहे हैं कि सबके दहन में डालो। ये थी वो मुनज्जम साजिश जो पैगंबर अकरम की शहादत का सबब बनी। दरअसल वो दवा नहीं, वो वही जहर था जिससे पैगंबर अकरम महसूस कर रहे थे कि मेरी शहरग कट जाएगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हद तक के हालात आ गए थे। और अब इस आलम में कि जब ये अलालत बढ़ती गई तब फरमाते, अच्छा ये भी अजीब बात है कि नंबर किसी और का और आप सबसे परमिशन लेके उनको अपने घर में ले आए कि आज की इजाजत दे दीजिए, आज पैगंबर अकरम मेरे ही यहां और आप ही के घर में आके दवा पिलाई जाए। पहुंच गए सब अजान, किसने कोशिश की थी अपने घर लाने की? सबसे, मैं तो सबसे इजाजत ले चुकी और आप बीमार हैं और मैं बेहतर तरीके से आपकी खिदमत कर सकती हूं, आप मेरे घर में तशरीफ, जबकि बारी नहीं थी उनकी, अपने घर में रखा। और उसके बाद जब मेरे हबीब को बुलाओ तो कभी किसी को बुलाया जा रहा है, कभी किसी को बुलाया जा रहा है, पैगंबर मना फरमाते नहीं, मैंने अपने हबीब को बुलाया, तो आखिर में मजबूर हो गए, किसी को कहना पड़ा तुम नहीं समझ पा रही हो, पैगंबर अकरम सिर्फ अली को बुला रहे हैं।
अब जब वलालत बढ़ी है तो बीबी जहरा भी आई, हसनैन अलैहिस्सलाम भी आए और मौलाए कायनात भी आए। इमाम हसन ने आते ही रसूल अकरम के रुखसार पे हाथ रखे, इमाम हुसैन ने आते ही सीने पे हाथ रखे, मौलाए कायनात सरहा ने आगे खड़े हुए तो इशारे से बिठाया और पैगंबर अकरम को इस अंदाज से अपनी आगोश में लिया कि रसूल अकरम का सर अली के सीने से लगा हुआ था। सामने बेटी खड़ी हुई रो रही थी, गिरिया फरमा रही थी। ये कब का वाकिया है? 27 सफर, पूरी शब ये वहीं पे रहे। इसी अंदाज से तमाम मौरखीन ने लिखा कि जिस वक्त रसूल की शहादत हुई तो रसूल का सर अली के सीने से लगा हुआ था। दोनों नवासे मौजूद हैं जो रसूल से लिपटे हुए हैं, रसूल तड़प के अपने बच्चों को अपने सीने से लगाए हुए और आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी है, शिद्दत दर्द की बिना पर नहीं, क्योंकि जब बेटी ने सवाल किया, बाबा ये गिरिया का सबब क्या है, क्या कोई तकलीफ है? कहा, नहीं बेटी, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं अपने बाद के हालात देख रहा हूं कि मेरे बाद तेरे दरवाजे पे आग और लकड़ियां जमा हो जाएगी, तुम्हारे पहलू पे दरवाजा गिरा दिया जाएगा, तुम्हारी पसलियां टूट जाएगी। बीबी गिरिया फरमाती है और उसके बाद मौलाए कायनात को वसीयत फरमाते हैं, अली उस वक्त पे सब्र से काम लेना, बच्चे सीने से लिपटे हुए, रसूल गिरिया फरमा रहे हैं। शब गुजरती गई और वो सुबह करीब आई, यानी 28 सफर की सुबह। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब वो सुबह आई और रसूल इस दुनिया से गई तो बीबी जहरा यतीम हो गई। आपने कभी महसूस किया कि आखिर इतने कम वक्त में, चंद लम्हों में पूरी काया पलट गई? कल तक रसूल के एहतराम करते थे, जिस जाते गिरामी का आज उसके कदर कोई सलाम करने वाला नहीं, उसको कोई बैठने के लिए जगह देने वाला नहीं। बेटी अपने बाबा का मातम करती रही। बस चंद जुमले यहां पे मसाइब के कहूंगा, हालांकि मेरे अंदर कुव्वत नहीं कि वो कैफियत में पूरी आपके सामने अर्ज कर सकूं कि कैसे कि कितनी देर शहजादी अपने बाप के लाशे के पास रही। 28 सफर, सुबह सादिक के करीब रसूल का शहादत हुई, 28 का पूरा दिन गुजरा, लाश घर में रखी रही पैगंबर अकरम की, 28 और 29 की शब गुजरी, फिर 29 का पूरा दिन गुजरा, शबे बुध आई, इस शबे बुध में रसूल की तदफीन हुई। अरे बिनते रसूल उतनी देर तक बैठी हुई अपने बाबा का गिरिया करती रही और अपनी आंखों से देखती रही कि वो पैगंबर, वो रसूल के जिसने पूरा पैगाम हक फैलाकर इतने लोगों को मुसलमान किया, इतने इस्लाम में दाखिल हो गए, आज मैयत के पास आने वाला कोई भी नहीं है। अल अजमतुल्लाह, खुदा किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। 28 सफर की सुबह जब शहादत की खबर मिली तो पूरी गली मुसलमानों से भर गई, कोई गिरिया कर रहा है, कोई रो रहा है। यह 28 सफर का वाकया दिन में, शाम तक हुजूम रहा, कोई रो रहा है, कोई एक दूसरे को पुरसा दे रहा है, कोई ताजियत पेश कर रहा है, कोई अफसोस कर रहा है। उसी आलम में एक शख्स आता है, तलवार खींचता है, कहता है, खबरदार, अगर किसी ने कहा कि मोहम्मद कत्ल हो गए या मोहम्मद इस दुनिया से चले गए, वो इस दुनिया से नहीं गए बल्कि पर्दा फरमा गए, अभी गए हैं, कुछ दिन बाद आ जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये मंतिक थी इनको गुमराह करने के लिए। किसी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी कि अल्लाह ने कुरान में कहा है
कि अगर मोहम्मद तुम्हारे सामने ना रहे या कत्ल हो जाए तो क्या तुम अपने पिछले पैरों पर लड़ जाओगे। तो फौरन तलवार खींचने वाले ने कहा कि खबरदार, अगर अब दोबारा का किसी ने भी ये नाम लिया कि रसूल इस दुनिया में नहीं रहे, वरना मैं सर को तन से जुदा कर दूंगा। पूरी गली खामोश हो गई, एक एक करके चले गए अपने अपने घरों को, रसूल की बेटी तरह जलाते के पास रह गई। तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो मोमिनीन परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मोमिनीन बीमार हैं उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा, जो मोमिनीन मखरूज हैं उनके कर्ज को अदा फरमा, जो मोमिनीन बेरोजगार हैं उनको रोजी अता फरमा, जो मोमिनीन रोजी से लगे हुए उनकी रोजी में खैर व बरकत अता फरमा, जो मोमिनीन बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा, जो हज ज़ियारत के मुश्ताक हैं उनको हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। बारे अल्लाह दुआओं में मखसूस दुआ ये है, हमारे ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم।